हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। दिलकुशा लखनऊ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। चिकन कोरमा लखनऊ की शादियों में बहुत बनाया जाता है और इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चिकन कोरमा कई तरह का बनाया जाता है, लेकिन आज जो चिकन कोरमा हम आपके सामने बना रहे हैं वो बावर्ची यहाँ के बनाते हैं। यहाँ की शादियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके लिए हमने आधा केजी चिकन लिया है और आधा केजी चिकन को हम अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, 2 चम्मच दही डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हम कोरमे में भी डालेंगे नमक, तो इस हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर हम ऐड करेंगे। और फूड कलर ऐड करके अच्छे से हम इसको मिलाते हैं। मिला के इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे और 1 घंटे के बाद इसकी हम डिश तैयार करेंगे चिकन कोरमे की। और आप इसको खाइएगा, आपको इतना बेहतरीन पसंद आएगा कि आप इसको हमेशा बनाएंगे और आप इसके लुफ्त उठाते रहेंगे। ये देखिए, हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब 1 घंटे बाद हम चिकन कोरमा बनाएंगे। अब हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो गया है, 1 घंटा हुए और ये अच्छे से तैयार हो गया है। हम अपने यहाँ कोरमे की तैयारी करते हैं। कोरमे के लिए हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज को काट लिया है और इनमें मसाले ये जाएंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काजू, 8-9 इलायची, 4-5 लौंग और जावित्री के फूल और थोड़ा सा जायफल, इतना जाएगा। ऑयल जाएगा हमारे कोरमे में, घी जाएगा, मीठा इत्र, केवड़ा वाटर और फूड कलर, और ये 1 कप दही जाएगी। और उससे हमारा कोरमा इतना शानदार, बेहतरीन, लजीज तैयार होगा कि आपको लगेगा कि आप किसी अच्छी जगह खा रहे हैं शादी ब्याह पार्टी में ये डिश। तो चलिए शुरू करते हैं। और कोरमे के लिए हम पहले तैयार करते हैं इसकी प्याज को, ब्राउन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम अपनी छोटी सी पतीली में, जो डेक की तरह दिख रही है, इसमें हम अपना कोरमा तैयार करते हैं। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, 1/2 देसी घी डालेंगे। जब तेल अच्छे से हो जाएगा, चटचटाने लगेगा, तो हम इसमें अपनी प्याज डालेंगे। अब हमारा तेल हाई फ्लेम पे खूब अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें धुआं निकल रहा है। अब हम उसमें अपनी प्याज डालेंगे। प्याज को धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन, हल्की सुनहरी होने तक भूनेंगे। अब ये देखिए, हमारी प्याज जो है थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस स्टेज पर हम अपने खड़े जो मसाले हैं, जावित्री, लौंग, इलायची और काजू, इसको हम डालेंगे और इसमें थोड़ी देर तक इसको हम भूनते रहेंगे। बस अब ये भुन गया है और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारा जितना इसमें प्याज और मसाले हैं खड़े, सब निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपना सब निकाल लिया है, जितना भी प्याज और मसाले थे हमारे। अब इसी तेल में हम चिकन अपना ऐड करेंगे।
चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसको अच्छे से हम पकाते रहेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें और मसाले अपने ऐड करेंगे। अब ये चिकन हमारा भुंज रहा है, अब इस पर हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और जो हमारे मसाले हैं धनिया मिर्चा नमक और गरम मसाला ये इसमें जाएगा। फ्लेम को थोड़ा आप धीरे कर दीजिए और इसको अच्छे से आप भूनते रहिए। अब हमारा मसाला जो हमने डाला था वो चिकन में अच्छे से भुन गया है और जो हमने फ्राई प्याज करी थी काजू और मसाले किए थे उसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले को। इस तरह से कोरमा आप बना हुआ खाएंगे आपको लगेगा आप डेग का चिकन वाला कोरमा खा रहे हैं लखनऊ में। बिल्कुल ये डेग वाला कोरमा है जैसे यहाँ के बावर्ची बनाते हैं और हम लोगों ने देखा है बनाते हुए वैसे ही हम घर बनाते हैं। और आप इसको खूब अच्छे से इसको चलाते रहिए। इसको 5 मिनट तक हम अभी भूंजने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आगे चीज़ें डालते हैं। अब देखिए हमारा कोरमा अच्छे से भूंज रहा है और आप नमक मिर्च अपने खाने के हिसाब से डाल सकते हैं कि अगर आपको कम नमक डालना है या कम मिर्च डालना है या ज़्यादा मिर्च डालना है तो आप अपने हिसाब से जैसा आप खाते हैं वैसे आप डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें फटी हुई एक प्याली दही। अब इसको हम खूब अच्छे से भूंजेंगे। इस तरह से चिकन बनाने से हमारा चिकन टूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा तैयार होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए फूड कलर जो रेड वाला होता है वो हम डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा सा आए कोरमे के जैसा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च या डेगी मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं। एक ढक्कन आप केवड़ा वाटर इसमें डाल दीजिए, ये ज़रूरी है कोरमे के लिए। इसमें जो खुशबू होती है बहुत शानदार होती है। एक ढक्कन आप ये डाल दीजिए और 2-3 बूंद आप मीठा इत्र आता है खाने का वो आप 2-3 बूंद इसमें डाल दीजिए। इससे भी खाने की खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब आप बनाएंगे तो आपके आसपास के जितने घर हैं वहाँ तक खुशबू जाएगी और जैसे लगेगा कि आप डेग वाला सालन बना रहे हैं। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, ये देखिए बिल्कुल डेग की तरह कलर आ गया है सालन में। बहुत शानदार रेसिपी है और आप इसको बनाएंगे तो आपसे हमेशा सब लोग इसी को खाने की ख्वाहिश करेंगे। अब इसको 5 मिनट पर हम मीडियम हाइट पे फ्लेम पे इसको रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम अपनी इसको डिश में सर्व करेंगे। और फिर आप बनाइएगा इसी तरह से देख के और लखनऊ के जायकों का लुत्फ़ उठाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आपको लगेगा आप डेग का सालन खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ के बावर्ची बनाते हैं। वही रेसिपी हम लोग घर में बनाते हैं, वही हम आपके आगे आपको बता रहे हैं। ये देखिए हमारा चिकन कोरमा तैयार हो गया है। इस चिकन कोरमे को बनाने के लिए हमको आधे घंटे का टाइम लगा है। और अगर आप ज़्यादा भी चिकन कोरमा बना रहे हैं और अगर आपकी पहले से तैयारी है, सबके मसाले आपके सब मसाले तैयार हैं, सब चीज़ें तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, तो आप ज़्यादा भी बनाएंगे तो आधे घंटे का ही टाइम लगेगा, कम में भी और ज़्यादा में भी। बस आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये हमारी डिश अब तैयार हो गई है, अब हम इसको डिश में लगाते हैं और आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमारा डेग वाला चिकन कोरमा तैयार हो गया है। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।